हेलो दोस्तों दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मेरे दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक को इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करेंगे। तो मेरे दोस्तों अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि वी नो दैट फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द स्टेट वी नीड द फोर एलिमेंट, वी नीड द फोर एलिमेंट एंड वन ऑफ देम इज़ गवर्नमेंट। फोर एलिमेंट्स आर पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरनिटी। गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द स्टेट। विदाउट गवर्नमेंट स्टेट कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड। गवर्नमेंट इज वेरी वेरी इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ स्टेट बिकॉज इट इज एजेंट ऑफ अ स्टेट। जो गवर्नमेंट वो क्या है, वो स्टेट की एजेंट होती है, रैदर वर्किंग एजेंट। काम करने वाला एजेंट कौन है गवर्नमेंट का, वो स्टेट का, वो गवर्नमेंट ही तो है। स्टेट के चार इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इन चार एलिमेंट्स में से जो काम करने वाला एलिमेंट है वो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट इज वेरी इसेंशियल। विदाउट गवर्नमेंट स्टेट कैन नॉट डू एनीथिंग। The will of state is expressed by the government only. It is only government which functions on the behalf of state. ये सारी बातें मैंने अपनी पिछली वीडियोस में, जो मैंने स्टेट के ऊपर वीडियो बनाई थी, जो मैंने सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, उन सभी में ये चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें डिस्कस करी हैं। तो आप जाइए उन वीडियोस को जरूर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। उसके बाद मेरे दोस्तों अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। गवर्नमेंट कैन बी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट कैन बी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैन बी यूनिटरी, गवर्नमेंट कैन बी डिक्टेटरशिप। देन नाउ इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सारी बातें बीच में आप लिखोगे। आइए अब शुरुआत करते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो मेरे दोस्तों अगर मैं डेमोक्रेसी के मीनिंग की बात करूँ, द जनरल मीनिंग ऑफ टर्म डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट विच इज मेड बाई द पीपल ऑफ द कंट्री themselves, इट इज़ कॉल्ड द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक्चुअली मेरे दोस्तों जो टर्म डेमोक्रेसी है, दिस टर्म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक टर्म डेमोस एंड क्रिटोस। डेमोस एंड क्रिटोस, डेमोस मीन्स पीपल, लोग, जनता, एंड डेमोस एंड क्रिटोस मीन्स रूल, इट मीन्स रूल और गवर्नमेंट, इट मीन्स शासन। तो जो टर्म डेमोक्रेसी है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक में दो टर्म है, डेमोस एंड क्रिटोस, इन दोनों को से ये टर्म बना है। डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रिटोस मीन्स रूल और गवर्नमेंट। देयरफॉर इफ वी कंबाइन दिस बोथ टर्म्स वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी इज अ रूल बाय द पीपल, डेमोक्रेसी इज द लोगों का शासन। क्या होती है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट इज मेड बाय द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, इन विच द गवर्नमेंट इज मेड फॉर द पीपल ऑफ अ कंट्री, इन विच द गवर्नमेंट इज मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ कंट्री। अर्थात जब एक कंट्री के लोग खुद अपनी इच्छा से गवर्नमेंट बनाते हैं, अपने आप गवर्नमेंट बनाते हैं, अपने लोगों को चुनकर आगे भेजकर उनसे गवर्नमेंट बनाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आया होगा कि डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट इज मेड बाई द पीपल एंड फॉर द पीपल। अर्थात वेन द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय द पीपल ऑफ अ नेशन, वेन द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री with themselves, then this is called the democratic form of government. In this the rule is done, or in this the government is formed by the majority people. जब majority of लोग किसी एक बंदे को वोट देते तो वो क्या करता है, वो government का part बन जाता है। अर्थात democracy में majority rule हमेशा prefer करता है। I hope आपको ये समझ आ गया होगा। आइए इसकी कुछ definitions देखते हैं, फिर हमें democracy अच्छे से clear होगा democracy होती क्या है।
अब आइए इनकी डेफिनेशंस देखते हैं कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस क्या दी गई हैं स्कॉलर्स के जरिए। हाँ, डेफिनेशन में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी जो वर्ड है ये हेरोडोटस ने 2500 साल पहले, बिफोर 2500 ईयर्स, हेरोडोटस ने ये टर्म को यूज़ किया था। तो आइए अब डेफिनेशंस को देखते हैं। सबसे पहली डेफिनेशंस बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का बोलना है कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो डेमोक्रेसी है वो गवर्नमेंट है लोगों की, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलाए जाने वाली, अर्थात जब लोगों का ही पार्टिसिपेशन है। गवर्नमेंट बनाने में भी लोग आगे आते हैं, गवर्नमेंट बनती किसकी है वो भी लोगों की ही बनती है। गवर्नमेंट बनाई क्यों जाती है, लोगों के लिए ही बनाई जाती है, तो वो गवर्नमेंट हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अर्थात डेमोक्रेसी इज दैट गवर्नमेंट इन विच गवर्नमेंट इज मेड बाय द पीपल देमसेल्व, फॉर द पीपल देमसेल्व एंड ऑफ द पीपल, अर्थात जब लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन होता है जिसमें पीपल सुप्रीम है, जिसमें लोग मेन है, तो वो क्या है, वो हमारी डेमोक्रेसी है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो जो है हमारे अरस्तु, एरिस्टोटल के जो गुरु थे प्लेटो, उन्होंने क्या बोला हुआ है, डिफाइंस द डेमोक्रेसी एज द रूल ऑफ इग्नोरेंस। इन्होंने डेमोक्रेसी को अपने ही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, अपनी ही नई डेफिनेशन दे दी कि डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब है इग्नोरेंस का रूल, अर्थात जो लोग इग्नोरेंट हैं, जब वो लोग गवर्नमेंट में आते हैं तो वो डेमोक्रेसी है। इनकी इस डेफिनेशन के पीछे क्या रीज़न रहा होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर बोल सकता हूँ कि डेमोक्रेसी में हर कोई व्यक्ति इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, और जब हर कोई व्यक्ति इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है तो इसका मतलब हर कोई व्यक्ति जीत कर आगे भी आ सकता है, चाहे वो इग्नोरेंट व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो इलिटरेट व्यक्ति क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं प्लेटो का मानना है कि डेमोक्रेसी का मतलब है जो लोग इग्नोर हैं उनका रूल होना। आगे प्रोफेसर सीले हैं हमारे, प्रोफेसर सीले ये क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज़ अ शेयर। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हर एक व्यक्ति का अपना शेयर है, अर्थात हर एक व्यक्ति जिसमें पार्टिसिपेट करता है। गवर्नमेंट मेजोरिटी से बनाई जाती है, लोगों के, सभी लोगों के पार्टिसिपेशन से बनाई जाती है, एक या दो व्यक्तियों के बोलने पर गवर्नमेंट नहीं बनाई जाती। तो दीज आर सम डेफिनेशंस। तो इन डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद इतना तो पता चल गया कि गवर्नमेंट जब डेमोक्रेसी का नाम आएगा तो फर्स्ट इट इज़ रूल बाय द पीपल, सेकेंड इट इज़ रूल बाय द मेजोरिटी ऑफ पीपल, थर्ड इन डेफिनेशन में तो ये दो ही बातें निकल के आती हैं। अब आइए इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं जिससे कि डेमोक्रेसी और भी क्लियर हो जाएगी। तो अब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे आऊँगा कि डेमोक्रेसी की फीचर्स क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अभी लाइक कर दें। अभी अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाकर मेरी मोटिवेशन के लिए लाइक करें, और कमेंट में कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसी लगी, कितनी आपको इस वीडियो से हेल्प हुई, प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो आइए कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करते हैं। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स डेमोक्रेसी की बन जाएगी कि डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ पीपल। क्या है डेमोक्रेसी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है, द पीपल्स आर सुप्रीम, इट इज ओनली द पीपल, इट इज ओनली द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री दैट अपॉइंट, दैट इलेक्ट्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट डज इट मीन, दैट द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द रूल इज डन बाय द पीपल एंड नॉट बाय द मिलिट्री, नॉट बाय द एनी आर्मी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट आप ये बोल सकते हो, ऑपोजिट टू डिक्टेटरशिप। तो डेमोक्रेसी के एक ये बहुत महत्वपूर्ण फीचर है कि डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप के बिल्कुल ऑपोजिट है, जहाँ पर डिक्टेटरशिप में फोर्स से रूल किया जाता है, पावर से रूल किया जाता है,
डेमोक्रेसी में रूल फोर्सफुली नहीं किया जाता, रूल लोगों के कंसेंट से किया जाता है। लोग खुद गवर्नमेंट को बनाते हैं, खुद गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन करते हैं, खुद वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, आगे आते हैं और वोट भी देते हैं और वोट लेने के लिए इलेक्शन भी फाइट करते हैं। मतलब डेमोक्रेसी क्या है, डिक्टेटरशिप से बिल्कुल ऑपोजिट है। डिक्टेटरशिप में लोगों की विल को नहीं देखा जाता, डिक्टेटरशिप में रूल बाई वन पर्सन होता है जो फोर्सफुली अपना रूल जमाए। जैसे हिटलर था, डिक्टेटर था हिटलर एक, जिसने अपनी मिलिट्री पावर के बेस पर क्या किया, पूरे लोगों के ऊपर रूल किया था। पर डेमोक्रेसी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दूसरी फीचर आप ये लिख सकते हो। तीसरी फीचर मेरे दोस्तों आप लिख सकते हो कि डेमोक्रेसी में पीपल आर सुप्रीम। इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट इज अ वेरी इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स that the people are supreme. People means the people of a country, they basically are supreme. The people are only the authority to decide who will be selected in the government, who will be elected in the government. लोगों के हाथ में बहुत बड़ी पावर होती है, लोग ही अपने बंदों को इलेक्ट करके आगे भेजते हैं। 10 बंदे खड़े हो जाएं, उसमें से लोग जिसको सही मानते हैं वो आगे जाएगा, गवर्नमेंट में अब एंटर होएगा, गवर्नमेंट बनाएगा। लेकिन अगर बात बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जाती है या फिर डिक्टेटरशिप की जाती है, वहाँ पे लोग सुप्रीम नहीं होते, लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते। तो दिस इज आल्सो फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कि लोग सुप्रीम होते हैं डेमोक्रेसी में। फोर्थ आप पॉइंट लिख सकते हो, राइट टू वोट। तो मेरे दोस्तों अगला जो इसेंशियल एलिमेंट है डेमोक्रेसी का वो ये है कि डेमोक्रेसी में लोगों को राइट टू वोट मिलता है, वोट का अधिकार मिलता है, वो वोट दे सकते हैं। लोगों के पास राइट होता है कि लोग बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं उनमें से जो रिप्रेजेंटेटिव उनको कैपेबल लगता है वो उसको वोट देकर उसको जिता सकते हैं, गवर्नमेंट में उसका पार्टिसिपेशन करा सकते हैं, उसको आगे गवर्नमेंट बनाने के लिए भेज सकते हैं। देयरफॉर पीपल आर हैविंग द राइट टू वोट इन द डेमोक्रेसी। हाउएवर दिस वोट इज नॉट अवेलेबल इन द केस ऑफ डिक्टेटरशिप। आप ये भी याद कर सकते हो। पांचवा आप लिख सकते हो, राइट टू वोट भी हो गया। पांचवा इक्वलिटी। डेमोक्रेसी में हमेशा इक्वलिटी रहती है, याद रखना। इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एवरी इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री दे कैन फाइट द इलेक्शन। एवरी इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री हु आर एलिजिबल विल बी एलिजिबल टू गिव द वोट। जिसके पास एलिजिबिलिटी है, हमारे देश में 18 साल उम्र की एलिजिबिलिटी है, तो जो व्यक्ति भी 18 साल का होगा उसके पास राइट टू वोट हो जाएगा। इक्वलिटी हमेशा रहती है। इक्वलिटी कैसे रहती है, पहली बात एवरीवन वुड हैव given the right to vote, everyone who will be eligible to give the vote would be allowed to give the vote and no one can be prevented from exercising his right to vote. And second equality kaise hai ki everyone can fight the election. I can stand for the election of any, whether PM, President or election of any MLA, MPs. अगर मेरी एज उतनी है, अगर मेरे पास जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है उसको मैं फुलफिल करता हूँ तो आई कैन फाइट द इलेक्शन। मतलब हर एक को इक्वल पार्टिसिपेशन मिलता है। इक्वलिटी जो है वो डेमोक्रेसी में हमेशा रहती है। इसके अलावा आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, सिक्स्थ पॉइंट, राइट, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, तो जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें लोगों को बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। इन फंडामेंटल राइट्स में से कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण है इस डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है राइट ऑफ स्पीच, राइट, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लोग गवर्नमेंट के बारे में अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट कोई भी अगर पॉलिसी लेकर आती है जो लोगों के हक में नहीं है, लोगों के अगेंस्ट है, तो क्या किया जा सकता है, लोग उस गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर अपने व्यूज़ बता सकते हैं। अर्थात डेमोक्रेसी में हमेशा लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। बोलने का अधिकार मिलता है, छापने का अधिकार मिलता है, प्रेस का अधिकार मिलता है, क्रिटिसाइज करने का अधिकार मिलता है। किस में मिलता है, डेमोक्रेसी में मिलता है। हर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिलता, डेमोक्रेसी में मिलता है। तो छठा पॉइंट आप ये लिख सकते हो। सातवां पॉइंट आप एक और लिख सकते हो, ओपोजिशन। ओपोजिशन्स बेनिफिट।
तो डेमोक्रेसी में ओपोजिशन का बहुत बेनिफिट होता है। ओपोजिशन एक्ट्स एज अ सेकंड गवर्नमेंट। एक तो सत्ता में गवर्नमेंट होती है, वो तो काम करती है, पॉलिसीज बनाती है, लॉज बनाती है, पर उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने के लिए ओपोजिशन हमेशा बैठा होता है। ओपोजिशन गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करती है, गवर्नमेंट के जो भी गलत काम होते हैं उसके ऊपर नज़र रखती है। तो स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तभी सक्सेस होती है जब ओपोजिशन हो। अगर ओपोजिशन स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारे देश, हम जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो अच्छे से वर्क करेगी। लेकिन अगर ओपोजिशन ढंग का नहीं है तो डेमोक्रेसी फिर अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर डिक्टेटरशिप आने की पूरी संभावना बन जाएगी। तो ओपोजिशन इज हैविंग अ ग्रेट ओपोजिशन, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये कुछ एक इसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स हैं। आई होप आपको समझ आई होंगी मेरे दोस्तों। अगर समझ आ रही होंगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दें। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए अब डिस्कस करते हैं डेमोक्रेसी के कुछ मेरिट्स। तो अब अगर मैं मेरिट्स की बात करूँ कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मेरिट्स क्या होती हैं, तो सबसे पहली जो मेरिट होती है वो होती है अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल बोल लो या रिस्पॉन्सिबल बोल लो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है टूवर्ड्स द पीपल। पीपल इलेक्ट्स द गवर्नमेंट, पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज ऑलवेज अकाउंटेबल टू द पीपल। गवर्नमेंट हमेशा लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, लोगों को आंसर देने के लिए हमेशा तैयार होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में लोगों को फंडामेंटल राइट मिला है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। लोगों के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन राइट है, जिसके आधार पर लोग जिस गवर्नमेंट को उन्होंने अपॉइंट किया है, इलेक्ट किया है, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट काम क्या कर रही है लोगों के लिए। अर्थात जो गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आगे गई है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट मेरिट हमारे पास ये बनती है उस गवर्नमेंट की कि वो गवर्नमेंट लोगों के प्रति अकाउंटेबल रहती है, आंसरेबल रहती है। अगर गवर्नमेंट लोगों को अच्छा आंसर नहीं दे, लोग कुछ क्वेश्चंस करें और गवर्नमेंट इज़ नॉट गिविंग अ प्रॉपर सेटिस्फाइड आंसर, देन लोगों के पास राइट है कि इन नेक्स्ट इलेक्शन गवर्नमेंट विल नॉट इलेक्ट दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट और दैट पर्टिकुलर करप्टेड कैंडिडेट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा सबसे पहली मेरिट क्या है हमारे पास, अकाउंटेबल गवर्नमेंट। दूसरा जो डेमोक्रेसी की मेरिट है वो ये है कि प्रमोट इक्वलिटी। डेमोक्रेसी जो है वो इक्वलिटी को प्रमोट करती है, समानता को प्रमोट करती है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, लोगों में इक्वलिटी आती है। कैसे इक्वलिटी आती है? पहली बात, सारे लोगों को बिना किसी भेदभाव के राइट टू वोट मिलता है। हर एक लोगों को, हर एक पर्सन को राइट टू वोट दिया जाता है जो अपनी पर्टिकुलर एज को पूरा कर लेता है। और सभी लोगों को राइट होता है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, इलेक्शन फाइट कर सके, वो इलेक्शन लड़ सके। पर्सन किसी पार्टी के अंडर भी इलेक्शन लड़ सकता है, आज़ाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में भी खड़ा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मेरिट ये है कि इससे इक्वलिटी प्रमोट हो रही है, सभी को इक्वलिटी मिल रही है। तीसरी जो हम मेरिट लिख सकते हैं डेमोक्रेसी की, वो हम ये लिख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स टू पीपल। तीसरी जो मेरिट है हमारे पास डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, वो ये है कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं बहुत सारे। इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पीपल हैव राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीपल हैव राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, पीपल हैव राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट डज इट मीन दैट इन फंडामेंटल, इन डेमोक्रेसी पीपल गेट्स द फंडामेंटल राइट्स एंड दिस फंडामेंटल राइट्स आर वेरी वेरी बेसिक फॉर द ह्यूमन डिग्निटी, आर वेरी वेरी बेसिक फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कंट्री, आर वेरी वेरी बेसिक फॉर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि तीसरा पॉइंट क्या बनता है डेमोक्रेसी का, कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। चौथा आप लिख सकते हो कि पीपल आर सुप्रीम, पीपल आर सुप्रीम। इन डेमोक्रेसी ये बड़ी अच्छी मेरिट है डेमोक्रेसी की कि लोग सुप्रीम हैं, कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सुप्रीम नहीं होता। कोई एक जिसके पास पावर ज़्यादा है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जिसके पास अपने पास जिस जो रिच है, वेल्थ ज़्यादा है, वो सुप्रीम नहीं होता। लोग सुप्रीम होते हैं, सभी लोग कलेक्टिवली दे आर सुपीरियर।
अगर जिस व्यक्ति को चूज़ करके आगे भेजा गया है वो लोगों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, तो लोग उसको अगली इलेक्शंस में कभी भी नहीं जिताते, उसको हरा देते हैं। अर्थात लोग सुप्रीम है। द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज़ ओनली बाय द पीपल, गवर्नमेंट इज़ रेगुलेटेड बाय द पीपल, गवर्नमेंट इज़ फोन बाय द पीपल एंड गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल। व्हाट डज इट मीन कि पीपल्स आर सुप्रीम बेसिकली इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा आप लिख सकते हो लिटिल स्कोप ऑफ वायलेंस, लिटिल स्कोप ऑफ वायलेंस। डेमोक्रेसी में ये बहुत अच्छी विशेषता है इसकी, इसकी मेरिट है कि इसमें कोई वायलेंस नहीं होता, कोई किसी तरह का कोई दंगे नहीं होते डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी के पास राइट है, वो इलेक्शन फाइट कर सकते हैं, इलेक्शन फाइट करके वो आगे अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। अगर कोई बंदा इलेक्शन में जीत भी जाता है तो अगली बार अगर वो अच्छे से काम नहीं करता तो दोबारा से इलेक्शन में वो खड़ा होगा और लोग उसको वोट नहीं देंगे। मतलब बोलना ये हुआ कि दंगे नहीं होते, वायलेंस नहीं होता, पीसफुल तरीके से गवर्नमेंट बनती है, लोगों के द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाती है, लोगों के बीच में से गवर्नमेंट बनाई जाती है, किसी तरह का कोई फोर्स का यूज़ नहीं होता, किसी तरह का कोई वायलेंस का यूज़ नहीं होता, किसमें, किसमें, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इसके अलावा आप एक और पॉइंट लिख सकते हो पीसफुल चेंज, पीसफुल चेंज। डेमोक्रेसी में जो चेंज आता है गवर्नमेंट में वो पीसफुल तरीके से आता है। मान लो गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही तो लोग लड़ाई नहीं करेंगे, लोग पीसफुली एजिटेशन कर सकते हैं, पीसफुली गवर्नमेंट लोग जो है वो अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपना अग्रेशन शो कर सकते हैं, और बाद में अगर फिर भी गवर्नमेंट लोगों के अगेंस्ट काम करे तो वो पीसफुल तरीके से गवर्नमेंट को, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को वोट ना देकर उस गवर्नमेंट को हराकर नई गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। अर्थात कि हमारे पास जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें जो चेंज लाना होता है, गवर्नमेंट को हटाना होता है, नई गवर्नमेंट लानी होती है, वो पीसफुल तरीके से काम किया जाता है, किस तरह का वायलेंस यूज़ नहीं किया जाता। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आ रहे होंगे। अगला पॉइंट लिखो आप पॉलिटिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन। जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके की ये बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन मिलती है, लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एवरीवन हैज़ राइट टू स्पीच, डिबेट ऑर्गेनाइज होती हैं, आपने टीवी में देखी होंगी डिफरेंट स्कॉलर्स आते हैं, डिबेट करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर, उस डिबेट से लोगों को नॉलेज मिलता है, लोगों को एजुकेशन मिलती है, पॉलिटी के बारे में लोगों को बहुत कुछ समझने को मिलता है। अर्थात दिस डेमोक्रेसी हैज़ अ इंपॉर्टेंट मेरिट दैट पीपल गेट द पोलिटिकल एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ दिस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा आठवां एक और पॉइंट आप ले सकते हो कि पीपल गेट्स अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि लोग खुद गवर्नमेंट का पार्ट बन सके। तो ये कुछ एक मेरिट्स हैं, आप ये लिख लेना इस पॉइंट्स को भी कि पीपल गेट्स अपॉर्चुनिटी टू बिकम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का पार्ट बनने के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये कुछ एक मेरिट्स हैं। अब इन मेरिट्स के बाद कुछ एक डीमेरिट्स को भी डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। तो अब मेरे दोस्तों अगर मैं इसकी डीमेरिट्स की बात करूं, इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करूं, तो लोग सबसे पहला जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर इस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ इग्नोरेंट और इलिटरेट पीपल। एक्चुअली डेमोक्रेसी में क्या होता है, इक्वलिटी को फोकस किया जाता है, हर एक व्यक्ति को राइट टू वोट दिया जाता है, फिर चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं द डेमोक्रेसी दे गो फॉर गिविंग द वोट ओनली एंड दे इवन सेल देयर वोट विद अ स्मॉल फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फॉर जस्ट सिंपल अल्कोहल, वो अपना वोट ही बेच देते हैं। लोगों को कोई मतलब नहीं बनता कि उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी बनानी है, वो सोचते हैं कोई भी कैंडिडेट हो कोई हमारे लिए काम तो करेगा नहीं, जो पैसा देगा उसी को वोट दे देते हैं। लोग जो इलिटरेट होते हैं वो जाते हैं उनके घर वाले जहाँ वोट डालने को बोलते हैं वो उसी व्यक्ति को वोट डाल देते हैं और बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हम वोट किसको डाल रहे हैं। अर्थात
ये डीमेरिट मानी जाती है, लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, डिसएडवांटेज मानते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, कि डेमोक्रेसी में जो इलिटरेट पीपल हैं उनकी गवर्नमेंट बनती है, इलिटरेट पीपलों के द्वारा, पीपल्स के द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाती है, और ये गवर्नमेंट एक अच्छी गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। अगर हम प्लेटो की डेफिनेशन याद करें तो प्लेटो ने भी यही बोला था कि डेमोक्रेसी इज़ रूल ऑफ इग्नोरेंस, जो इग्नोरेंट लोग हैं उनका रूल करना डेमोक्रेसी कहलाता है। तो फर्स्ट डीमेरिट ये है। इसके अलावा मेरे दोस्तों दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, मोर एक्सपेंसिव। जो हमारी ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये बहुत महंगी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस किए जाते हैं, इलेक्शंस में कितना पैसा खर्चा जाता है, एक एक इलेक्शन के लिए करोड़ों रुपए खर्चे जाते हैं, और उन पैसों को कहीं पे अच्छे काम में लगाया जाए, हॉस्पिटल्स में, विद्यालय में, पाठशाला, एजुकेशन में लगाया जाए, तो देश कितनी तरक्की करे। तो जो हमारे क्रिटिसाइज़र हैं, जो क्रिटिक्स हैं, जो डीमेरिट्स को बताने वाले स्कॉलर्स हैं, वो ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत ही महंगी शासन प्रणाली है जो कि फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पैसा बहुत वेस्ट होता है, तो मोर एक्सपेंसिव। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो डेमोक्रेसी में कि मोर इम्फेसाइज इज गिवन ऑन क्वांटिटी देन ऑन क्वालिटी। कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो मेनली इम्फेसाइज दिया जाता है वो क्वांटिटी के ऊपर दिया जाता है, क्वालिटी के ऊपर नहीं दिया जाता। एक्चुअल डेमोक्रेसी में क्या होता है, जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले हो वो कैंडिडेट जीत जाता है, वो कैंडिडेट क्या होता है, विन हो जाता है। फिर चाहे वो कैंडिडेट करप्टेड क्यों ना हो, चाहे वो कैंडिडेट जो है वो इलिटरेट क्यों ना हो, पढ़ा लिखा क्यों ना हो, चाहे वो एलिजिबल नहीं हो, लेकिन अगर वो कैंडिडेट को अच्छे वोट मिल जाते हैं तो वो जीत जाता है। इस वजह से जो क्रिटिक्स हैं वो मानते हैं कि डेमोक्रेसी तो बस क्वांटिटी के ऊपर देखती है, जिसको ज़्यादा वोट मिले उसको आगे जिता दो, गवर्नमेंट उसकी बना दो, लेकिन क्वालिटी के ऊपर फोकस कभी नहीं करती कि अच्छे लोग भी आगे आने चाहिए। कभी कभी डेमोक्रेसी की वजह से बड़े ही इलिटरेट, इग्नोरेंट लोग आगे आकर गवर्नमेंट चलाते हैं, जिससे कि देश की बर्बादी भी हो जाती है, क्रिटिक्स का ये मानना है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, अनस्टेबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी डीमेरिट है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कभी भी स्टेबल नहीं होती। वैसे तो हम मानते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो 5 साल तक के लिए काम करती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, बहुत बार बीच में गवर्नमेंट टूट जाती है, फिर दोबारा से इलेक्शंस होते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज मानी जाती है हमारे पास डेमोक्रेसी की, कि गवर्नमेंट कभी स्टेबली बहुत लॉन्ग टाइम तक काम नहीं करती, लेकिन अनस्टेबल रहती है, कभी भी टूट जाती है, कोई प्रॉपर टेन्योर नहीं होता। वैसे 5 साल टेन्योर है, तो 5 साल के बाद भी नई गवर्नमेंट आई है, मतलब अनस्टेबिलिटी तो है ही है। तो ये भी इसकी एक डीमेरिट्स है। और इसके अलावा आप डेमोक्रेसी में डीमेरिट लिख सकते हो कि लैक ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट, कि जो बंदे इलेक्शन फाइट करते हैं उनके लिए कोई भी ऐसा एलिजिबिलिटी नहीं होती रिगार्डिंग एजुकेशन। ये लिखो आप कि लैक ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कि लोगों के पास क्वालिफिकेशन चाहे हो या ना हो, हर कोई व्यक्ति इलेक्शन फाइट कर सकता है, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो पढ़ा लिखा हो। तो जो क्रिटिक्स हैं वो मानते हैं कि जब अनपढ़ लोग इलेक्शन फाइट करेंगे, और सभी अनपढ़ हैं, ये भी अनपढ़ है, ये भी अनपढ़ है, ये भी अनपढ़ है, सभी अनपढ़ जो है इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, कोई एक तो चूज़ हो गए होगा, जो एक चूज़ होगा वो भी अनपढ़ ही होगा। तो जब अनपढ़ ही चूज़ हो रहे हैं तो वो गवर्नमेंट कैसे अच्छे से काम कर सकती है, अर्थात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई नहीं होती इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये डेमोक्रेसी की डीमेरिट मानी जाती है। मेरे दोस्तों आई होप आपको ये 5 डीमेरिट्स भी समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।